से लेके एक्स एज कब हो, जैसे मान लो आज तुम अगर 19 ईयर्स ऑफ एज के हो, अगर तुम 19 एंड 20 ईयर्स ऑफ एज के हो तो तुम्हारे बर्थ से आज तक कितना साल हो चुके होंगे, अगर 20 साल के हो तो 20 साल हो चुके हैं, 19 ईयर्स के हो तो 19 ईयर्स हो चुके होंगे। बड़ा बेसिक सा लॉजिक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तुम जब पैदा हुए थे तो तुम 0 ईयर्स के थे, आज अगर तुम्हारी 20 साल अगर एज है तो तुम्हारे बर्थ से आज तक कितने साल हो चुके होंगे, 20 ईयर्स। तो सेम लॉजिक है, यहां से इसके कितने ईयर्स हो चुके होंगे, एक्स ईयर्स। तो वो एक्स ईयर्स जो है वो पापा की एज में भी तो ऐड होंगे ना, प्रेजेंट एज तक आने में। तो पापा की एज कितनी हो जाएगी, 2x। और ये कह रहे हैं कि ये एज जो ये एज है इसकी पापा की वो 38 है, तो सन की एज कितनी हो जाएगी, 19। ये कौन सी है, प्रेजेंट एज। और ये पूछ रहे हैं कि सन की 5 ईयर्स बैक कितनी एज थी, 5 साल पहले कितनी थी। तो आज अगर 19 है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, 14। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 14 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मुझे बताओ जल्दी से, आप किसी को कोई डाउट है, आप समझ में आ गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहे हैं 10 ईयर्स ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी वॉज 10 ईयर्स अगो। इफ ए इज नाउ 9 ईयर्स ओल्डर देन बी, द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज। ये आपसे अब पूछ रहे हैं कि 10 सालों के बाद ए की जो एज होगी तुम्हारी, इन 10 इयर्स ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी वाज 10 इयर्स अगो। ये 10 साल पहले जिंदा था, मान लो ये वी माइनस 10 था, तो इससे ये जो है ये डबल हो चुका होगा। मतलब तुम बोल सकते हो ए प्लस 10 इक्वल्स ये कितना आ जाएगा, 2 × v − 10। क्लियर है? इफ ए इज 9 ईयर्स ओल्डर देन बी द प्रेजेंट एज ऑफ बी, अगर आज के टाइम पे ए जो है ये 9 ईयर्स ओल्डर है, अगर ये बी है तो ये कितना है, बी प्लस 9। तो यहाँ पे ये इक्वेशन कितनी बन जाएगी, बी प्लस 19। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी प्लस 9 हो जाएगा एक ही जगह। तो बी प्लस 19 इक्वल्स ये कितना आ जाएगा, 2b − 20। ठीक है, इसको इस साइड ले जाओ तो बी आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 20 × 19, ये हो जाएगा 39। तो बी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 39। ठीक है, समझ में आया? हाँ आरुषि, सब मिल जाएगा, तुम फ्यूचर पे फोकस मत रहो, अभी क्लास चल रही है इस पे फोकस रहो, मिल जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेंशन मत लो। थर्ड क्वेश्चन, ये कह रहे हैं द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ पी एंड क्यू इज 3:4। 5 ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वर वॉज 5:7। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। इसको बड़े सिंपली हम लोग कर सकते हैं, पी एंड क्यू के लिए ये कह रहे हैं कि आज इसकी प्रेजेंट एज है 3:4 और 5 साल पहले कितनी थी, 5:7। मतलब यहां से दोनों से 5 साल पहले की एज पूछी जा रही है, रेशो चेंज हो जाता है। जब ऐसा केस बने जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि एक रेशो एक्स इज टू वाई है और फिर वो ए इज टू बी हो रहा है, और अगर ये सेम चीज इसमें ऐड हो रही है, अगर ये केस होगा तो ये केस तब पॉसिबल होगा कि एक्स माइनस वाई जो है ये तुम्हारा ए माइनस बी होना चाहिए। अगर ये चीज यहां से हो जाएगी तो तुम्हारे पास में एक चीज तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एक्स माइनस ए इक्वल्स वाई माइनस बी। समझ पा रहे हो? मतलब इनका इन दोनों का डिफरेंस अपने आप ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, जो कि जिसको तुम कंपेयर कर सकते हो इस सी से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर इस चीज को देखें तो ये क्या कह रहे हैं कि 5 ईयर्स अगो 5 साल पहले ये जो रेशियो था ये तुम्हारा कितना था, 5:7, और प्रेजेंट रेशियो जो है वो कितना है, 3:4। मतलब यहाँ पे कितना साल एड हो गए, 5 ईयर्स। अब इनका रेशियो अगर देखो तो यहाँ +2 है, 5+2, और यहाँ +1 है। तो ये रेशियो पे ये पहले डिफरेंस इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको इक्वल करने के लिए 1 को मुझे 2 बनाना है, तो मैं इसको पूरी इक्वेशन को क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6 और 8। क्लियर है? तो ये तुम्हारे पास रेशियो आ जाएंगे 5:7, 6:8। ये 5 साल पहले, ये आज प्रेजेंट की बात हो रही है। अब यहाँ डिफरेंस कितना है, +1 का, और यहाँ भी कितना है, +1 का, जबकि ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 5 ईयर्स।
ये 5 years अगो थी, ये प्रेजेंट है, तो 5 साल ऐड हुए होंगे और इसमें अपने रेशियो के हिसाब से 1 ऐड हो रहा है, तो इस 1 की वैल्यू सीधे 5। अब इसका फायदा क्या हुआ कि तुम इन चारों जगह पे सीधे सीधे वैल्यू रख सकते हो। देखो अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 25, ये कितनी हो जाएगी 35, ये कितनी हो जाएगी 30, ये कितनी हो जाएगी 40, सारी चीजें होगी। अब ये क्या करें, फाइंड देयर प्रेजेंटेजेस, प्रेजेंटेजेस तुम्हारी निकल के आ जाएंगी 30 एंड 40। अब इसमें बहुत से क्वेश्चन हो सकते थे, 5 साल पहले बताओ क्यू की एज कितनी है, या वो तुमसे कहते कि 3 साल पहले बताओ, तो तुम्हें ये चारों एजेस पता चल गई, अपने हिसाब से चीजें फिर तुम सॉल्व कर पाओगे। क्या सबको क्लियर है, जल्दी से मुझे बता दो इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट है क्या? कॉन्सेप्ट और भी है, इससे इजी ट्रिक भी होती है, बताता हूँ थोड़ी देर में। ये देखो ये कुछ ज्यादा प्रोग्रामिंग चल रही है, क्लियर स्क्रीन, इतनी प्रोग्रामिंग मत करो, बिल गेट्स की जॉब मत खा जाना तुम, पता चला किसी दिन। चलो द एज ऑफ अ मैन इज 4 times ऑफ हिज सन, 5 years अगो द मैन वॉज 9 times ओल्ड एज हिज सन वॉज एट दैट टाइम, द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इज, सेम क्वेश्चन है, तुम करोगे इस बार, करो देखो कौन कर यार, बोल। राहुल रंजन इतने चिल्ड मोड में तुम तो लेटे हो क्यों? करो इस क्वेश्चन को, कौन कर रहा है, जल्दी से देखते हैं किसको आता है समझ में। देखो शालिनी का मैसेज आया है, शालिनी कह रही है 32 years, ओम प्रकाश का भी आ गया। चलो देखते हैं, ये कह रहे हैं कि एक इंसान है उसकी प्रेजेंट एज 4 times है उसकी सन की, ये मैन कर देता हूँ, ये सन कर देता हूँ, आज की एज इनकी 4:1 है, अगर इसकी 1 है तो इसकी 4 है। एंड 5 years अगो द मैन वॉज 9 times ओल्ड एज अ सन वॉज एट दैट टाइम, अगर सन उस टाइम 1 था तो ये 9 times था, तो इनका रेशियो 5 साल पहले कितना था 9:1, और प्रेजेंट रेशियो जो है वो कितना है 4:1। अगेन लॉजिक वही लगाओगे, यहाँ -8 हो रहा है, यहाँ तुम्हारा -3 हो रहा है, समझ पा रहे हो उस चीज को? तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 3 से और इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ पा रहे हो? तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 27:3, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 32:8। अब यहाँ डिफरेंस सेम हो गया, देखो ये कितना हो गया तुम्हारा 24 का, और ये भी कितना हो गया 24 का, तो ये डिफरेंस देखो ये कितना आ रहा है +5 का, ये भी आ रहा है +5 का, क्योंकि देखो तुम्हें भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस 5 सालों का था, यानी अपनी 1 की वैल्यू 1 है, यानी जो ये वैल्यू लिखी है ये इनकी एजेस है, तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज 32 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? शालिनी, ओम प्रकाश, अभिषेक एंड राजीव, 4 लोगों का आ चुका था, ठीक है? तुषार कुछ भी नया नहीं है, वही सेम टू सेम चीज है, देखो फिर से समझ लो इस चीज को कि आज उनका रेशो कितना है 4:1, और 5 साल पहले इनका रेशो था 9:1, ये लिखा है ना कि वो 9 times ग्रेटर देन था अपने सन से, ठीक है ना? यहाँ पे ये 4 times है सन से, तो यहाँ डिफरेंस कितना है 5 सालों का। अब अगर इसको हमें इक्वल करना है तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों का डिफरेंस देखना होता है, जैसे यहाँ -8 डिफरेंस है, 9 - 8 हो रहा है तो 1 आ रहा है, यहाँ 4 - 3 करोगे तब बनाएगा, तो ये डिफरेंस तुम्हारा इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ इसको इक्वल करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 था और यहाँ 8 था, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रेशियो कितना हो गया 27:3, और ये कितना हो गया 32:8। अब देखो यहाँ पे भी सेम हो गया, ये -24 का डिफरेंस, यहाँ भी -24, ये इक्वल हो गया, तो ये डिफरेंस देखो
अब यहाँ 27 में प्लस 5 हुआ है और यहाँ पे भी प्लस 5 हुआ है, और तुम्हें क्वेश्चन में भी दे रहा है कि यहाँ पे कितना हो रहा है प्लस 5। ये 5 साल पहले की एज है, ये प्लस आज प्रेजेंट की एज है, तो 5 साल पहले को अगर मैं एक्स मान लू तो आज की एज एक्स प्लस 5 होगी कि नहीं होगी, मतलब इससे यहाँ पे प्लस 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस प्लस 5 की वैल्यू भी प्लस 5 के इक्वल है, यानी अपनी 1 की वैल्यू 1 के इक्वल, मतलब जो ये वैल्यूज पहले से लिखी हैं यही इनकी एग्जैक्ट आंसर्स हैं, यही वैल्यूज है। 27 की वैल्यू 27, 3 की 3, 32, 8, यही एज है। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 32 फादर की, 8 सन की, और अगर 5 साल पहले की बात करें तो 27 इसकी एंड 3 जो हो जाएगी वो सन की हो जाएगी। क्या आप सबको क्लियर है, जल्दी से बता दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of father's age to the son's age is 3:1. The product of their ages is 147. The ratio of their ages after 5 years will be. बड़ा सिंपल है, ठीक है ना? इतना रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो तुम मन में कर सकते हो। तुमने इनफैक्ट एलसीएम एससीएफ इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें, बिल्कुल डिट्टो है। देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। देखो ओम प्रकाश और मयंक का आंसर आ चुका है, देखते हैं जल्दी से। ये आपसे बिल्कुल सिंपल सी चीज कह रहे हैं कि एक फादर एक सन है, उनकी एज जो है आज 3:1 का उनमें रेशियो है, और उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 147 है। अब यहाँ पे अगर तुम इसको 3 और इसको 1 मान रहे हो और तुम सीधा 3:1:147 कर रहे हो तो तुम एक गलती कर दोगे, ठीक है ना? क्या गलती करेंगे वो हम देखते हैं। अगर इसको हम लोग ऐसे मान लें कि इनकी x 3x है और इनकी जो है वो x है, एज 1 को x मान लिया, तो यही चीज क्या हो जाएगी, 3x(x)=147, और इससे अब जब तुम इसको कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 49, तो x स्क्वायर आ जाएगा 49, तो x आ जाएगा 7। जब भी प्रोडक्ट आए तो ये गलती होती है, हम क्यों डायरेक्ट कर पाते हैं? अगर मान लो यहाँ पे रेशियो होता है तो हम क्यों डायरेक्ट मान लेते हैं, क्योंकि 3x/x लिखना होगा तो x x कट जाता है, x का कोई रोल नहीं होता उस जगह। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये चीज नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में एक्स का रोल होता है, वहां पावर्स बढ़ सकती हैं, समझ पा रहे हो? तो ये चीज मैंने तुम्हें सिंप्लीफिकेशन में सिखाई थी, याद हो कि a:b जब तुम्हारा 3:4 दे रखा हो, और अगर सेम मान लो, जैसे मान लो तुमसे a²+b²ab पूछा, तो यहाँ देखो यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ 2 पावर है, नीचे भी 2 पावर है, तो इस वजह से तुम क्या कर सकते हो, एक्स जो है निकल के कट जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो नहीं कर सकते थे इसको, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 49, तो x आ जाएगा 7, तो ये 3x कितना हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 7, ये इनकी प्रेजेंट एजेस है। तो 5 साल बाद कितनी हो जाएंगी, इसकी हो जाएगी 26 और इसकी हो जाएगी 12, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 26:12, 2 से कट कर दो तो ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 6, ठीक है? तो 13:6 सबका करेक्ट है, अगेन 26:12 भी करेक्ट है, लेकिन अपन लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं जब भी रेशियो लिखेंगे तो, ठीक है ना? 26:12 भी सही है, लेकिन सिंपलेस्ट रेशियो लिखा जाता है जब भी रेशियो लिखा जाएगा। सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवगामी इज 2 years एल्डर देन मीना, आफ्टर 6 years द टोटल ऑफ देयर एजेस विल बी 7 times ऑफ देयर करंट एज, देन एज ऑफ शिवगामी।
देखो अभी भास्कर का आया है और घनश्याम का आया है, ये लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी डेटा इनएडिक्वेट, दो लोगों का आया है। भूमिका भी कह रही है डेटा इनएडिक्वेट। चलो देखते हैं, ये क्या कह रहे हैं कि जो शिवगामी है वो मीना से 2 इयर्स एल्डर है, यानी अगर ये एक्स है तो ये एक्स प्लस टू है। अब 6 इयर्स द एज, सॉरी आफ्टर 6 इयर्स द टोटल ऑफ देयर एजेस विल बी 7 टाइम्स ऑफ देयर करेंट एजेस, ठीक है ना। तो अगर 6 इयर्स लेटर अगर देखे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एट और ये हो जाएगा एक्स प्लस सिक्स, ठीक है ना। तो टोटल जो होगा इसका ये 7 टाइम्स ऑफ देयर करेंट एज। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है, ये अब ये या तो ये बोलते कि 7 टाइम उनके सम ऑफ देयर एजेस प्रेजेंट एजेस ऐसा कुछ देखे कि आज के सम से उनका 7 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा भी ये करते यहाँ पे तो इनका जो सम हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस कितना था ये 14, ये 7 टाइम्स हो जाएगा अगर इनके डेटा के हिसाब से हम लोग देखें। अगर इनके अगर हम लोग ये मान लें कि ये भैया 2x प्लस 2 इसके लिए ये पूछ रहे हैं तब तो कोई ना कोई वैल्यू हम निकाल भी देते, ठीक है ना। अब एज ऑफ शिवगामी ये यहाँ पे पूछ रहे हैं, अगर इस लॉजिक से देखो तो ये 14 प्लस 14 आ जाएगा, 14 से 14 तो कैंसिल हो जाएगा। अब खुद ही सोच कर देखो 2x और 14x इक्वल दे रखे हैं यहाँ पे, तो ये 12x इक्वल 0, x की वैल्यू तो 0 आ जाएगी। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ये x की एकदम ही 0 कर दी इन्होंने। तो आफ्टर 6 इयर्स द टोटल ऑफ देयर एजेस विल बी 7 टाइम्स ऑफ देयर करेंट एज, ठीक है। तो अब ये पहली बात तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन ही ढंग से दिया नहीं है, अगर दिया भी होता, अगर जिस हिसाब से इन्होंने ये चीज दे रखी है अगर उस हिसाब से तुम करो भी खुद से मान के कि ये सम पूछ रहे हैं, सम से 7 टाइम हो जाएगा तो ये तो 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, फिर तो ये तुम्हारा ये 8 और ये 6 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं देन एज ऑफ शिवगामी की एज तो तुम यहाँ से अभी भी नहीं निकाल पाओगे, 2 और 8 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा डेटा इनएडिक्वेट। यहाँ पे करेक्ट एक्चुअल में क्वेश्चन ही गड़बड़ है यहाँ पे, राइट। तो ऐसे भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेस ऑफ कृष एंड वैभव आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:5, आफ्टर 9 इयर्स द प्रोपोर्शन ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4, देन द करेंट एज ऑफ वैभव इज। ये तुम पहले ही देख चुके हो, सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले करे थे। देखो भास्कर का आंसर भी आ गया, प्रेजेंट एज कितनी है, रेशियो कितना है 3:5 किसका, क्रिश एंड वैभव का, और 9 इयर्स आफ्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:4। आपको पता है यहाँ प्लस 2 है, यहाँ पे प्लस 1 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो हो जाएगा 3:5 एंड 6:8। देखो ये 2:2 का हो गया तुम्हारा प्लस 2, यहाँ देखोगे यहाँ प्लस 3 आ गया और यहाँ आ गया प्लस 3, ये कितने साल बाद की बात हो रही है, 9 सालों के बाद। तो इस 3 की वैल्यू हो गई 9, तो 1 की वैल्यू हो गई 3, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 15, 3 6 18 एंड 3 8 24, ये चारों वैल्यूज मिल गई। अब ये पूछ रहे हैं करंट एज ऑफ वैभव, तो वैभव की करंट एज कितनी आ जाएगी 15, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलो आ गया समझ में सबको, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव्स एज आफ्टर 15 इयर्स विल बी 5 टाइम्स ऑफ हिज एज 5 इयर्स बैक, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राजीव। ये देखो आंसर्स आने स्टार्ट हो गए, देखते हैं जल्दी से। ये कह रहे हैं मैं मान लेता हूँ कि आज की उसकी प्रेजेंट एज एक्स है, तो एक तरीका तो ये है कि तुम करो एक्स प्लस 15, फिर यहाँ से तुम करो 5 इयर्स बैक के लिए एक्स माइनस 5, फिर तुम x प्लस 15 इक्वल्स करोगे फिर 5x माइनस 5, ऐसे करके पूरा x की वैल्यू निकालो, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि तुम सीधा ये लो, ये मान लो प्रेजेंट लाइन है, ये आज उसकी एज है, तो
अगर टाइमलाइन पे हम लोग देखें तो एक एज दे रखी है 5 ईयर्स बिफोर और एक दे रखी है 15 ईयर्स आफ्टर। तो इन चार, अब ये देखो टोटल टाइम इंटरवल कितना दे रखा है, ये 20 ईयर्स का। 20 ईयर्स में इसके एज में क्या चेंज आया कि यहाँ पे अगर ये एक्स थी तो अब ये 5x हो गई, अगर ये यहाँ 1 थी तो अब 5 हो गई। समझ पा रहे हो ना, 5 टाइम्स हो चुकी है ये। तो मुझे बताओ यहाँ कितने का एडिशन हुआ, 4 का, और यहाँ ये कितना है तुम्हारा डिफरेंस, 20 ईयर्स का। तो इस 4 की वैल्यू हो जाएगी 20 ईयर्स के इक्वल, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 ईयर्स के इक्वल। ये तुमसे क्या पूछ रहे हैं, प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि इसकी 5 साल पहले जो 1 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 5। तो आज कितनी हो जाएगी, प्लस 5 करोगे 5 में तो कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आया? देखो ऐसे क्वेश्चन में हीरा क्या करते हैं, इसको मन में करने वाला क्वेश्चन है ये। अगर मान लो आज इसकी प्रेजेंट एज है तो इसको अपन कैसे सोचते हैं, इसको हमने ऐसे देखा कि ये हम 5 साल पहले गए और ये 15 साल बाद गए। तो 15 साल बाद जो 5 साल पहले अगर उसकी एज 1 थी तो अब 5 होगी, 5 टाइम्स हो रही है कि नहीं हो रही। यानी कि 1 में कितने का एडिशन हो रहा है, 4 का एडिशन हो रहा है, और ये किसके इक्विवेलेंट है, ये जो एडिशन है ये यहाँ किसके टाइम में किसके इक्विवेलेंट है, ये 15 और ये 5। तो ये 20 ईयर्स के पीरियड में ये चेंज आया है, किसकी एज 1 से लेके 5 हो गई, यानी एज में कितना डिफरेंस आया, 4 का, जो कि कितने टाइम में आया है, 20 ईयर्स में। तो 1 की, अब 4 की वैल्यू 20 ईयर्स हो गई तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 ईयर्स। तो ये एज हो गई इसकी 5 ईयर्स और ये एज हो गई 25 ईयर्स। ये तुमसे पूछ रहे हैं प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज में यहाँ तुम्हें कितना ऐड करना पड़ेगा, 5। तो 5 + 5 हो जाएगा 10 ईयर्स इसकी प्रेजेंट एज, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग टाइप के हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया कि टाइप जैसे ही आएगा मैं तुम्हें पर्टिकुलर केस बता दूंगा कि इसको ऐसे कर लो, ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो आ ही जाएगा। चलो, अ पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, आफ्टर 8 ईयर्स ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, हाउ ओल्ड इज द मदर एट प्रेजेंट। अगेन जैसा अभी हम लोग कर रहे थे वैसे ही क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो फिर मैं बता रहा हूं, और बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करो, 7-8 लोगों के लिए नहीं है बस क्लास। देखो आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। देखो मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन है और ये उसकी मदर है, ये कह रहे पर्सन की प्रेजेंट एज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, मतलब अगर ये 1 है तो ये 2/5 है। तो इस रेशियो को हम ऐसे लेते हैं कि ये अगर 2 होगा तो ये 5 हो जाएगा, तो इनका आपस में रेशियो कितना हो जाएगा, 2:5। फिर ये कह रहे हैं कि आफ्टर 8 ईयर्स ये रेशियो कितना हो जाएगा, ये 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, मतलब ये हाफ है उसका, मतलब ये अगर 1 है तो इसकी मदर 2 है, अगर ये हाफ है मतलब मदर डबल है, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2। अब यहाँ देखा तो डिफरेंस है +3 का और यहाँ पे +1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रेशियो कितना हो जाएगा, 3 and 6। तो यहाँ पे गैप कितना आया, +1 का, और यहाँ पे भी कितना आ गया, +1 का, और इस +1 की वैल्यू 8 के इक्वल है। तो 1 की वैल्यू 8 है, ये आपसे पूछ रहे हैं, मदर की एज पूछ रहे हैं, तो मदर कितनी है, 5 एज थी, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। तो 40 ईयर्स विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 10th क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ सबको समझ में तो आ रहा है ना, ऐसा नहीं है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन एकदम ही नया है, तुमने सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चन करे हैं, इनफैक्ट एलसीएम एचसीएफ में भी करे हैं इस कॉन्सेप्ट से। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 7 ईयर्स, इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 7:9 फाइंड द एज ऑफ सचिन। ये तो मन में करने वाला क्वेश्चन है इनफैक्ट।
इसके लिए तो पेन भी नहीं चलानी, ये तो साफ साफ मन में आ भी गया मेरा तो आंसर कितने पहले। देखो भास्कर का आ गया आंसर, आपसे कुछ नहीं कह रहे, देखो कितना सिंपल है, ये सचिन है, ये राहुल है, ये रेशियो है 7:9, तो अब साफ साफ रेशियो देख के दिख रहा है ना कि सचिन छोटा है राहुल बड़ा है, और अपने रेशियो के हिसाब से ये कितने साल छोटा है, 2 साल छोटा है, अगर ये इसकी 9 ईयर्स एज है इसकी 7 है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 का, और ये डिफरेंस दे रखा है इनमें 7 का, ये कह रहे हैं सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 7 ईयर्स, जबकि अपने क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो 2 की वैल्यू 7, तो सचिन की एज इन्होंने पूछी है जो कि अपने हिसाब से 7 है, तो यहाँ 1 की कितनी हो जाएगी 7/2, तो अपने 7 की कितनी हो जाएगी 7 × 7/2 49/2, और ये हो जाएगा 24.5, ठीक है ना, ये तो मन में करने वाला था, इसके लिए पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू गॉट मैरिड 8 ईयर्स अगो, हिज प्रेजेंट एज इज 6/5 टाइम्स ऑफ हिज एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज, राजू सिस्टर वॉज 10 ईयर्स यंगर टू हिम एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज, द प्रेजेंट एज ऑफ राजू सिस्टर, वो ना मैंने कल बच्चों को इन सबको बता दिया था, तो ये लोग एक्चुअली क्या करते हैं, अगेन ये भी ट्राई करो कि तुम मन में कर पाओ, देखते हैं किसका आ रहा है आंसर। उम्मीद अब देखो जो बहुत से लोग फंस गए हैं यहाँ, ये जो लाइन थी ये सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए दी गई थी, बहुत से लोगों ने इसको क्या करा होगा कि इन्होंने देखा कि उसकी एज प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 6:5, मतलब जब उसने मैरिज करी थी तब अगर उसकी एज 5 थी तो आज उसकी एज 6 है, और उसने मैरिज कब करी थी 8 ईयर्स अगो, ये अगर प्रेजेंट एज है तो ये 8 ईयर्स अगो है, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो +1 आ रहा है, और यहाँ क्वेश्चन में उसको +8 दे रखा है, तो 1 की वैल्यू 8 है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 40 और ये आ जाएगा 48। अब सोचने वाली बात ये कि उसकी जो सिस्टर है वो शादी के टाइम उससे 10 साल छोटी थी, तो भैया आज भी तो 10 ही साल छोटी होगी, अगर तुम्हारी सिस्टर तुमसे 3 साल छोटी है तो तुम किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में उसको उठा लो, वो 3 साल ही छोटी रहेगी, तो अब इसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि तुम इसमें 10 माइनस करो फिर 30 करो फिर देखो ये 8 ऐड करना है फिर तुम 38 पे आओ, तुम सीधा प्रेजेंट एज पूछिए ना तुमसे, तो बस इसमें से तुम 10 ईयर्स छोटी है तो इसमें से 10 ईयर्स माइनस कर दो कितना हो जाएगा 38 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है क्या, बाकी लोग ऐसे ही करा था आपने, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन देखो इसको करो जल्दी से, ये देखो व्हाट्सएप टाइप क्वेश्चन है, देखो ओम का आंसर आ गया, कुछ नहीं करना था, या तो तुम इस क्वेश्चन को पढ़ के इसको उल्टे डेटा को उल्टे ऑर्डर में सॉल्व करते चले जाओ तो भी काम हो जाता, या तो मैं इक्वेशन बना के करना पसंद है, तो मान लो कि अरुण की एज जो है वो ए है, तो ए में से पहले 6 माइनस करा फिर 18 से डिवाइड करा तो गोकुल की एज निकल के आई जो कि 2 ईयर्स यंगर देन यंगर टू मदन है जिसकी एज 5 है, तो 5 अगर मदन है और ये 2 ईयर्स यंगर है तो इसकी एक्चुअल एज कितनी हो जाएगी 3, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा 54 प्लस ये 6 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 60, तो 60 हो जाएगी ए की एज जो है,
ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर. कुछ खास नहीं था, बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ अ क्लास इज 15.8 ईयर्स, द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज 16.4 ईयर्स एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 15.4 ईयर्स. व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लास? खैर ये अगर नहीं आएगा तो कोई इशू भी नहीं है, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है अभी ये टॉपिक. किसी को आ रहा है समझ में? अगर नहीं आ रहा हो तो बता दो, मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ. मुझे भी पता है तुमने पढ़ा नहीं है अभी ये सब. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. ये एक्चुअल में मिक्सचर एंड एलिगेशन का केस बन गया यहाँ पे. ये कह रहे हैं ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, बॉयज का एवरेज जो है वो 16.4 है, गर्ल्स का 15.4 है, एंड इन दोनों का अगर एवरेज मिलाया जाए तो ये आता है 15.8. तो कुछ नहीं करते, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं. इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो कितना आएगा? 0.4. और इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? 0.6. बस इनका रेशियो निकाल लो. तो 0.4:0.6 का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:6 या 2:3. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. इस पे अभी उतना डिस्कशन नहीं करते हैं, जब मिक्सचर एलिगेशन पढ़ोगे तो बड़ा इजी सा केस है, समझ में आ जाएगा. ठीक है, इसको इसलिए अभी साइड कर दो, कोई इशू नहीं है. द एजेस ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 6:5 एंड टोटल ऑफ देयर एजेस इज 44 इयर्स. द प्रोपोर्शन ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 इयर्स विल बी. बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ट्राई करो मन में सॉल्व करने का. देखो ओम अभिषेक एंड लोकेश का आंसर आ चुका है, कुछ नहीं करना. ये तुमसे कह रहे हैं एक्स और वाई का रेशियो कितना है? 6 और 5 का, और इनका सम दे रखा है 44. इसको अगर मैं करूँ 6+5 ये आ जाएगा 11, ये दे रखा है 44, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4. तो इसकी एज कितनी हो जाएगी? 24, और इसकी एज हो जाएगी 20. तो 8 सालों के बाद एक्स और वाई का रेशियो पूछा है, तो इसमें 8 को ऐड करोगे तो होगा 32, इसमें करोगे तो 28. रेशियो निकालोगे तो 4 8s are 32 एंड 4 7s are 28. 8:7 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ निकाल भी लिया बहुत से लोगों ने. 15th क्वेश्चन, अ मैन इज 24 इयर्स ओल्डर देन हिज सन, इफ टू इयर्स सॉरी इन टू इयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज. देखो डी ऑप्शन आया है, कुछ लोग 22 बोल रहे हैं, 22 एंड 23 में कंफ्यूजन है. देखो ये अगर फादर है ये सन है, अगर इसकी एज एक्स है तो इसकी एक्स प्लस 24 हो जाएगी, एंड देन 2:1 का रेशियो आ रहा है कब? 2 इयर्स के बाद, ठीक है ना.
तो अब इसमें एक मिनट, 2 ईयर्स के बाद ये एक्स प्लस 26 हो जाएगा और ये एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और ये तो चलो इसको ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स प्लस 26 जो हो जाएगा वो 2x प्लस 4 के इक्वल हो रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22। ये तुम्हारा सीधा आंसर आ गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 22। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी, प्रोपोजन ऑफ युवराज सेज टू गांगुलीज एज इज 4:3। युवराज विल बी 26 ईयर्स ओल्ड आफ्टर 6 ईयर्स, वॉट इज द एज ऑफ गांगुली ना। मन में करना ये क्वेश्चन, इसके लिए पेन मत चलाना। देखो धर्मेंद्र का आंसर आया है 15, और उसके पहले ओम प्रकाश भी आंसर कर चुका है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये भी, युवराज एंड गांगुली। युवराज अगर 4 है, ये 3 है, और ये कह रहे हैं युवराज एज विल बी 26 ईयर्स ओल्ड आफ्टर 6 ईयर्स। तो 6 साल बाद अगर ये 26 का होगा तो आज कितने का है, 20 ईयर्स का। तो ये 4 की वैल्यू आ गई 20, मतलब 1 की वैल्यू आ गई 5, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तुमसे गांगुली की एज ही तो पूछी थी, सिंपल था, मन में भी कर सकते थे। ऑप्शन नंबर बी, 17th question. 10 years ago, A was half of B in age. If the ratio of their present ages 3:4, what will be the total of their present ages? बताओ जल्दी किसका आंसर आ रहा है सबसे पहले। देखो ओम का आ गया, मयंक का आ गया। ये कह रहे हैं 10 ईयर्स अगो एंड प्रेजेंट। 10 ईयर्स अगो ये ए और ये बी है, तो ए वाज हाफ ऑफ बी, तो ए अगर 1 है तो बी कितना रहा होगा, 2। और आज क्या कंडीशन है कि ये 3 है एंड ये 4 है, 3:4 का रेशियो हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ डिफरेंस है 1 का और यहाँ डिफरेंस है 1 का, यानी कोई इशू ही नहीं है, अपना काम आसान हो गया। ये जो यहाँ पे डिफरेंस आया कितना, प्लस 2 का, इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 10, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज का टोटल अपने हिसाब से 3 + 4 कितना होना चाहिए, 7, और 1 की वैल्यू 5 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35। खत्म गए। ऑप्शन नंबर सी जितने बोल रहे थे करेक्ट है सबका। अभिषेक कह रहे नहीं आ रहे, अभिषेक अब आ गया समझ में। चलो 18th क्वेश्चन, दिव्यांशी कह रही है नहीं समझ में आया। दिव्यांशी देखो जल्दी से, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है। 10 साल पहले ए जो था वो हाफ था बी का, मतलब ये अगर 1 है तो बी 2 रहा होगा। क्लियर इतनी चीज। प्रेजेंट एज की अगर हम लोग बात करें तो आज के टाइम पे क्या, अब देखो 10 साल पहले से आज तक यहाँ पे एडिशन कितने सालों का हुआ होगा, 10 सालों का। तो प्रेजेंट एज में क्या डिफरेंस है, यहाँ रेशियो हो गया है 3:4। तो सबसे पहले हम इस रेशियो, इस डिफरेंस को देखा हमने, तो देखो यहाँ पे पहले से इक्विवेलेंस था, यहाँ पे तो इक्विवेलेंट पहले से ही है ये। तो देखते हैं कि यहाँ से 1 से लेके 3 तक कितना एडिशन हुआ, यहाँ 2 का, और 2 से 4 तक भी 2 का एडिशन हुआ। तो ये जो 2 ईयर्स ऑफ एज अपने हिसाब से है, ये क्वेश्चन में 10 ईयर्स दे रखा है, अपने हिसाब से एडिशन 2 का हुआ, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 10 सालों का एडिशन हुआ।
तो टू की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो 1 की वैल्यू होगी 5, 3 की कितनी हो गई होगी 15 और इसकी हो गई होगी 20। ये कह रहे हैं आज की एजेस का सम बताओ, तो 15 और 20 ऐड करोगे तो कितना आएगा 35। बस सिंपल ये वाला करो अब। देखो ओमेगा का आ गया आंसर, ये कह रहे हैं सम ऑफ द एजेस ऑफ राजेश, सुरेश, महेश एंड दिनेश इज 76 इयर्स। 7 ईयर हैंस देयर एज रेशियो इज 7:6:5:8। फाइंड द महेश प्रेजेंट एज। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बताया है कि राजेश, सुरेश, महेश एंड दिनेश, इनकी अगर आज की एजेस की हम लोग बात करें तो इनका सम कितना है 76। ये प्रेजेंट एज है, समझ पा रहे हो। और दूसरी चीज इन्होंने क्या बोला है कि आज से 7 सालों के बाद इनकी जो रेशियो हो जाएगा वो कितना होगा 7:6:5:8। तो 7 सालों बाद अगर मैं तुमसे बात करूं कि इनका सम कितना होगा तो ये कितना आएगा 7+6+5+8, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 13, ये भी हो गया 13, यानी 26। ये कब का तुम्हारा डेटा दे रखा है, 26 जो डेटा आया, सम आया इनकी एजेस का, ये 7 साल बाद का आया, प्रेजेंट का नहीं आया, लेकिन तुम्हें उनकी एजेस का सम जो है वो प्रेजेंट सम दे रखा है 76। अब मुझे बताओ 7 साल बाद चारों की उम्र 7-7 साल बड़ी होगी कि नहीं बड़ी होगी। मतलब अगर यहाँ पे इनका सम जो है वो 76 आ रहा है तो 7 साल बाद क्या आया होगा, R+7, फिर S+7, ऐसे आया होगा कि नहीं आया होगा, M+7 एंड D+7। तो ये RSMD का तो सम तुम्हें 76 दे रखा है और ये 7 4s 28 जो है इसमें और ऐड हो गया होगा, तो ये कितना आ गया होगा तुम्हारा 104। तो 7 सालों के बाद इनकी एज का जो सम है वो आ जाएगा 104, जो कि अपने हिसाब से कितना आ रहा है 26। तो इन दोनों को बस इक्वेट कर दो तो अपने हिसाब से यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब ये पूछ क्या रहे हैं तुमसे, ये पूछ रहे हैं महेश की प्रेजेंट एज। तो महेश जो है, महेश की प्रेजेंट एज निकाल ली, अभी तुम्हारा 1 की वैल्यू आई है कितनी 4, तो 5 की कितनी आई होगी 20, लेकिन ये जो रेशियो दे रखा था ये तो 7 ईयर्स के बाद दे रखा था, तो 7 साल बाद उसकी एज 20 होगी, तो आज उसकी एज कितनी होगी 13, 20-7, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि उमिका, भास्कर और सपना का सिर्फ आंसर आया था। जल्दी से मुझे बताओ सबको क्लियर है क्या, चलो 19th क्वेश्चन। ए इज 3 times as old as B, सी वॉज 2x as old as A 4 years ago। In 4 years time, A will be 31. What are the present ages of B and C? देखते हैं किसका आंसर आता है।
देखो उमिका ओम प्रकाश, ओ भूमिका, आशुतोष, प्रांजल, सपना, इन लोगों के आंसर आ चुके हैं। देखो सिंपल सी चीज है, ये कह रहे हैं अगर हम ए और बी की आज की बात करें, प्रेजेंट एज की, तो ए जो है वो 3 टाइम्स है बी से, यानी इनका रेशियो कितना है, 3:2। 4 साल पहले जो सी था वो डबल था ए से, ठीक है ना। और एक और खास बात क्या कि 4 सालों के बाद ए जो है वो 31 हो जाएगा, ठीक है ना, 31 हो जाएगा 4 सालों के बाद। तो इससे क्या डेटा मिल जाएगा कि ए की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 27, और उससे भी 4 साल पहले ये जो ए की एज है ये कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 23। तो सी की 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, 46, ठीक है ना। अब 4 साल पहले इसकी 46 है तो सी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 50, ठीक है। एक चीज अब तुमसे बी और सी की प्रेजेंट एज पूछी थी, तो सी की तो प्रेजेंट एज आ गई 50, बी की देखो, ए की प्रेजेंट एज यहां से तुमने कितनी निकाली, 27, ठीक है ना। तो ये 27 अगर जो है ये 3 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। तो बी की प्रेजेंटेज 9 है और सी की प्रेजेंटेज 50 है, तो 9 एंड 50, जैसा कि मेजोरिटी का आंसर आया, जितने लोगों ने सॉल्व करा सबका आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, क्लियर है सबको। चलो 20th क्वेश्चन। अब ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, तुमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एज ऑफ तेजा, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, फिर तुम्हें कुछ 4 पॉइंट दे रखे होते हैं ऐसे क्वेश्चन में, और तुम्हें बताना होता है कि सिर्फ कोई 2 सफिशियंट है, तीनों जरूरी है तुम्हें आंसर लाने के लिए, ठीक है ना, या सिर्फ एक से ही आंसर निकाल सकते हो इसका। क्वेश्चन ये है कि तुम्हें तेजा की एज फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए 3 डेटा तुम्हारे सामने, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब किस किस की जरूरत तुम्हें है मिनिमम, जिससे काम हो जाए तुम्हारा। देखो ओम का आंसर आया ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, यानी कि ऑल ऑफ 3 स्टेटमेंट्स आर नीडेड टू आंसर द क्वेश्चन। देखते हैं बाकी लोग। धर्मेंद्र ए बोल रहा है, ओमिका सी बोल रही है, घनश्याम डी, बन सारे ही आ गए। चलो देखते हैं, तुम्हें फाइंड आउट करनी है तेजा की एज। अब ये कह रहे हैं 4 ईयर्स अगो राजू वॉज एज ओल्ड एज तेजा इज प्रेजेंट, तो तेजा आज जितना है 4 साल पहले राजू उतना था, 4 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी, T-4, ठीक है ना। और ये कितना रहा होगा, राजू कितना रहा होगा, T 4 साल पहले। अगर राजू की प्रेजेंट एज R है तो R-4 जो है वो T के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो एक इक्वेशन तुम्हारी यहाँ से बनेगा कि R-4 इक्वल्स टी। सेकेंड, सीताज प्रेजेंट एज इज 2 टाइम्स ऑफ राजूज प्रेजेंट एज, तो सीता जो है राजू से डबल है। एंड द एवरेज एज ऑफ तेजा एंड सीता इज 19 ईयर्स, तो सीता और तेजा की जो एवरेज एज है वो कितनी हो जाएगी, 19, यानी सीता प्लस तेजा इक्वल हो जाएंगे 38। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से टी की वैल्यू दे रखी है आर के फॉर्म में, सब्स्टिट्यूट कर दोगे इसको, यहां से सीता की एस की वैल्यू तुम्हें आर के फॉर्म में दे रखी है, सब्स्टिट्यूट कर दोगे,
तो तुम्हारा अपने आप आर की वैल्यू आ जाएगी, और आर की वैल्यू आई तो तेजा की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। अब एक चीज बताओ, तुम्हें चाहिए था तेजा की वैल्यू, तो पहले इक्वेशन तुम्हें तेजा की वैल्यू दे रही थी टी इक्वल्स आर माइनस फोर, और थर्ड इक्वेशन में फिर तेजा आया था। तेजा क्या आया था, सीधा प्लस तेजा इक्वल 38, और पहले में राजू से रिलेशन है। अब मुझे बताओ बीच में कोई तो रिलेशन होना चाहिए जिसमें सीता को ये डिफाइन करें, तब तो तुम इसकी रेंज निकालोगे इन दो, ना तो देखो इस अकेले से तुम निकाल पाओगे ना इस अकेले से निकाल पाओगे, तुम्हें एक बीच में एक और रिलेशन चाहिए रहेगा, ठीक है ना। तो तुम्हें सीता का बीच में रिलेशन चाहिए रहेगा, यानी ये तीनों स्टेटमेंट तुम्हारे लिए जरूरी है तेजा की एज निकालने के लिए, ठीक है ना। अब आ गया समझ में, निकल गई तेजा की एज, बताओ कितनी है तेजा की एज। वो क्या है, मैं मूवीज बहुत ज्यादा देखता हूँ ना, इसलिए ऐसे नाम बार बार आ रहा है। किसका वक्तावर किसका नाम है? ये देखो आशीष सर का एक सजेशन आया है, वो कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में वक्तावर भी एक नाम डालना। क्या गग्गू भाई कोई नहीं, सबको समझ में आया आज? ये लो तुम्हारा अटेंडेंस लिंक, इसको फिल करो, क्लास तुम्हारी आज यहीं तक।